आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टॉप 20 खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए सुशांत केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है श्रुति मोदी, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं श्रुति मोदी और अब सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। सीबीआई की एफआईआर में श्रुति मोदी का भी नाम है और श्रुति मोदी पूर्व मैनेजर के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का तमाम फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें संभाल चुकी हैं और श्रुति मोदी से बहुत सी जानकारियां सीबीआई निकालने की कोशिश करेगी। श्रुति मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ईडी की पूछताछ में बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती का बहुत ज्यादा प्रभाव है, उनसे जुड़े फैसले रिया चक्रवर्ती के जरिए ही लिए जाते हैं और अब सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए श्रुति मोदी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। पूर्व मैनेजर के तौर पर श्रुति मोदी सुशांत का काम संभालती थी और साथ ही साथ एक चैट भी सामने आई थी डिप्रेशन को लेकर, एक चैट थी और डिप्रेशन के बारे में जानकारी सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने श्रुति मोदी से पूछी थी। साथ ही साथ सुशांत की तबीयत के बारे में जानकारी लेते हुए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी सुशांत की बहन ने मांगा था जो कि व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया है। सीबीआई सुशांत से जुड़ी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहेगी, सुशांत के फाइनेंस से जुड़ी जानकारी भी मांगना चाहेगी और साथ ही साथ सुशांत और उनकी बहन के आपसी रिश्ते कैसे थे, बहन ने श्रुति मोदी से क्या कहा था, क्या व्हाट्सएप के जरिए मांगा गया था, क्या तबीयत के बारे में पूछा गया था, ऐसे तमाम सवाल सीबीआई अब श्रुति मोदी से करेगी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब श्रुति मोदी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। इस बीच ढेर सारी चकाचौंध, ग्लैमर, पार्टीज, खूब सारा पैसा और एक से बढ़कर एक हसीन चेहरे। दुनिया अब तक बॉलीवुड की इसी हकीकत से वाबस्ता है लेकिन बॉलीवुड का एक चेहरा है और जो ना तो बाहर से दिखाई देता है और न ही उसकी कोई मुकम्मल मालूमात है। मुंबई की पोशीदा गलियों में जहर का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और वो भी मुंबई पुलिस की नाक के ठीक नीचे। सुशांत मौत मामले में इंडिया न्यूज ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। खुद को बेकसूर, इनोसेंट, सच्ची और आडंबरहीन बताने वाली रिया के बहुत बड़े ड्रग कार्टल का खुलासा हुआ है। रिया के तार मुंबई, गोवा और दुबई के ड्रग रैकेट से जुड़े होने के पक्के सबूत मिल रहे हैं और ये सबूत इंडिया न्यूज के पास हैं। रिया को चुने हुए निजी टीवी चैनल्स पर घूम घूम कर भले इस बात का दावा कर रही हैं, भले ही वो लाख बार कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली लेकिन पूछताछ में ये बात कबूल भी ली है और उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराने की बात भी कही थी जो कि चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में वो नकारती हुई नजर आई। इंडिया न्यूज के पास रिया के वो व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि रिया ड्रग्स लेती थी, कई बार खरीदी भी। इस बार बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने बेपर्दा इस केस के जरिए होने वाली है। सबसे सनसनीखेज ड्रग नेक्सस, डोंगरी से दुबई तक कनेक्शन, बॉलीवुड का अनदेखा नरक लोक। तो माया नगरी मुंबई का सबसे बदरंग चेहरा, रात के अंधेरे में जहर का कारोबार, रिया के ड्रग वर्ल्ड का अनकहा सच। दो अलग अलग ड्रग्स हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। रिया का ड्रग कार्ड। तुम नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। देखिए रिया चक्रवर्ती जैसी दिखाई देती हैं वैसी तो वो बिल्कुल नहीं है। इंडिया न्यूज के पास इस बात के पुख्ता और सिलसिलेवार सबूत हैं जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि रिया के तार मुंबई, गोवा और दुबई के ड्रग सप्लायर से जुड़े हुए हैं। गौरव आर्या वो नाम है ड्रग सप्लायर का जो कि अबू असलम कासिम आजमी के लगातार संपर्क में रहा। आजमी अब दुबई के ड्रग किंग कैलाश राजपूत के लिए लगातार काम करता रहा। इस बात के सबूत भी मिले क्योंकि दिल्ली पुलिस के जरिए 2017 में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और 40 करोड़ की ड्रग्स इसके पास से बरामद भी हुई थी। But you're at a...
धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। दो अलग अलग ड्रग्स है विवेक में चाहिए। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव, रिया के ड्रग कनेक्शन पर बड़ी पड़ताल, रिया के ड्रग्स खरीदने के पुख्ता सबूत, गौरव आर्या करता था ड्रग्स की सप्लाई, गौरव के तार मुंबई गोवा दुबई से जुड़े, सामने आया रिया का सबसे बड़ा झूठ। एक निजी टीवी इंटरव्यू के दिए चैनल में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि ना उन्होंने कभी ड्रग खरीदा है ना ही उन्होंने ड्रग का सेवन किया है, लेकिन इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वह इस बात की तस्दीक करता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग का सेवन करती थी। सुशांत मौत मामले में इंडिया न्यूज की SIT टीम ने बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। इन तस्वीरों को देखिए, ये रिया की व्हाट्सएप चैट की तस्वीरें हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि रिया एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा थी। व्हाट्सएप चैट में इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी और गौरव आर्या नाम का शख्स उन्हें ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये बात जितनी सामान्य दिख रही है असल में उतनी है नहीं, क्योंकि इस चैट ने रिया का कनेक्शन दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टल से होने की बात साबित कर दी है। आइए सबसे पहले आपको रिया के ड्रग कार्टल की डिटेल बता दें। रिया को ड्रग्स की सप्लाई गौरव आर्या करता था। गौरव आर्या को मुंबई और दुबई में ड्रग की सप्लाई अबू असलम कासिम आजमी के जरिए होती थी और अबू असलम दुबई के सबसे बड़े ड्रग माफिया कैलाश राजपूत से ये ड्रग खरीदता था। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से ये साफ होता है कि वो गौरव आर्या के संपर्क में थी और उससे ड्रग मांग रही थी। सूत्रों की माने तो गौरव आर्या गोवा और मुंबई में ड्रग सप्लाई करता है। गौरव आर्या अबू असलम के संपर्क में है। अब ये समझिए कि अबू असलम है कौन। अबू असलम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2017 में 40 करोड़ की MDMA के साथ गिरफ्तार किया था। आजमी पहले दुबई की एक कार्गो कंपनी में काम करता था, बाद में नौकरी छोड़कर गोवा आ गया और उसके बाद वहां इसने ओशियन विंग्स नाम की कंपनी में 2010 से 2013 तक काम किया। स्पेशल सेल ने बताया कि आजमी कैलाश राजपूत के लिए काम करता है, जो ड्रग की दुनिया का एक बहुत बड़ा माफिया है, जो दुबई से ऑपरेट करता है। कैलाश का पूरा नाम कैलाश नितिन राजपूत है, जिसे ड्रग की दुनिया में KR भी कहते हैं। कैलाश राजपूत मुंबई और दिल्ली समेत ड्रग्स के कई केस में वांटेड है। दुबई में बैठकर ही कैलाश राजपूत पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है, जिसमें दिल्ली और मुंबई भी शामिल है। यानी हर वो आरोप जिससे रिया आज तक इनकार करती आई हैं, सच साबित हो रहा है। सूत्रों की माने तो सुशांत मौत मामले में जल्द CBI रिया को गिरफ्तार कर सकती है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।